ताजमहल को तेजो महल बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। कहा जा रहा है कि देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा है, वहां 20 कमरे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ है और अब इसको भी जांचा जाए, परखा जाए, वो कमरे खोले जाएं। क्या खबर है पूरी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर सर्वे का काम तो अभी शुरू हुआ था कि उस पर बवाल बढ़ गया। आप सभी ने वो तस्वीरें देखी कैसे वाराणसी में जो कुछ हो रहा है, कुछ लोगों ने वहां खूब हल्ला मचाया जिसके बाद पुलिस ने एक्शन भी ले लिया। लेकिन अब इस मामले पर बहस खत्म होती कि अब बात ताजमहल की शुरू हो गई है, वही आगरा वाला ताजमहल। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की बात की गई है, जिससे पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हैं या फिर नहीं। सर्वे होना चाहिए जिसमें पता चले। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, ताजमहल को तेजो महल्य बताते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। परिसर का सर्वेक्षण कराना जरूरी है। ताजमहल के बंद 20 कमरों की एएसआई सर्वेक्षण की मांग के साथ ये पिटीशन दाखिल की गई है। साथ ही याचिका में सरकार को तथ्य खोज समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ताज महल परिसर का सर्वेक्षण कराना जरूरी है ताकि शिव मंदिर और ताजमहल होने की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। समिति गठित समिति इन कमरों की जांच करेगी और वहां हिंदू मूर्तियों या धर्म ग्रंथों से संबंधित किसी भी सबूत की तलाश करेगी। कुछ इतिहासकारों का हवाला देते हुए यह याचिका दाखिल की गई है। शाहजहां की पत्नी के नाम पर स्मारक याचिका में कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल का नाम शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के नाम पर रखा गया। हालांकि कई किताबों में शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज उल जमानी नहीं बल्कि मुमताज महल के रूप में वर्णित किया गया था। तथ्य तो ये भी है कि मकबरे का निर्माण पूरा होने में 22 साल लगते हैं, जो वास्तविकता से परे है और पूरी तरह से बेतुका है। आगे कहा गया है कि इतिहास की कई किताबों में यह है कि 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महल मंदिर महल जो वर्तमान में ताजमहल के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण कराया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मान सिंह को विरासत में मिला। उसके बाद संपत्ति राजा जयसिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित की गई थी, लेकिन शाहजहां ने 1632 में उस पर कब्जा कर लिया था और बाद में इसे शाहजहां की पत्नी के लिए स्मारक में बदल दिया गया। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह कहते हैं कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में कुल 22 कमरे हैं जो स्थायी रूप से बंद हैं। कई हिंदू उपासकों और पीएन ओक जैसे इतिहासकारों का मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। यानी अब अगर जांच हो, सर्वे हो, एक एक कमरे को खोला जाए, अंदर जाया जाए, देखा जाए आखिर क्या है, तो पता चलता है कि वहां भी मंदिर हो सकता है, इस तरीके से याचिका में कहा गया है। यानी आप समझिए कि एक तरफ तो बात वाराणसी की हो रही है, काशी की हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद की हो रही है, उसके बाद मथुरा की बात हो रही है और अब बात ताजमहल की भी होने लगी। यानी आगरा के ताजमहल के नीचे मंदिर था और उसको हटाकर ही ये ताजमहल बना दिया गया, इस तरीके से याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार 10 तारीख को इस पर सुनवाई होगी, कोर्ट क्या कहता है, नजर हमारी बनी रहेगी। आप लगातार देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।